हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेनू अग्रवाल हियर। आज हम करने वाले हैं स्पॉट द एरर, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले हम ये डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स, कुछ पार्ट में जो है वो एरर है, एंड सम आर करेक्ट। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर, हमें यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है वो बतानी है, और जो नंबर होगा पार्ट का वही हमारा आंसर होगा, यानी बी सी डी में से जो भी नंबर होगा। कई बार 1, 2, 3 यहाँ पे आ जाता है, तो वो हमारा नंबर होगा, वही आंसर होगा। इफ़ ए सेंटेंस इज़ फ्री फ्रॉम एरर, अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो यहाँ हमारा आंसर जो है वो नो एरर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जैसे यहाँ ए बी सी नहीं दिया हुआ है तो हमारा आंसर यहाँ से होगा। देखो यहाँ पे ये यहाँ सी नंबर पे है लेकिन यहाँ ए पे है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है मैनी अ मैन, ठीक है। तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। मैनी का कॉन्सेप्ट देखिए, मैनी के साथ अगर डायरेक्टली हमारा कोई नाउन आना होता है तो वो हमेशा आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और अगर हमारे यहाँ पे वर्ब फिल करनी है तो वो भी हो जाएगी प्लूरल वर्ब, राइट। और यहाँ अगर हमारे पास अ मैन या अ एन यहाँ पे होता तब हमारा ये क्या है, सिंगुलर ही काउंटेबल नाउन लगा है, और वर्ब भी कैसी रहती है, सिंगुलर वर्ब रहती है, क्लियर। मैं यहाँ पे काउंटेबल नाउन बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि देखिए जब हमें अनकाउंटेबल के साथ लगाना होता है तो वो मच होता है, मच के साथ फिर यहाँ अनकाउंटेबल नाउन होता है और वर्ब जो होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है। अब यहाँ ये क्लियर हो गया, अगर यहाँ मैनी होता तो प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब होती, लेकिन यहाँ मैनी के बाद साथ में हमारा ये मेन सब्जेक्ट हो गया अब, ठीक है। अब मैनी सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा और मैन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो अब हमारी वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब एसीएस लगाया जाता है। तो अब हमारा पार्ट बी जो है वो एरर में है, यहाँ क्या होना चाहिए था, वांट्स होना चाहिए था, ठीक है। चलो और देखते हैं मैनी के साथ क्या क्या हो सकता है। तो ये हमने अभी किया, और दूसरा मैंने आपको ये बताया, इसके अलावा अ ग्रेट मैनी, यानी डायरेक्ट यहाँ मैनी के बाद ही हमारा आएगा, यहाँ भी मैनी के बाद ही आएगा, तो प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरली वर्ब आएगी, प्लूरल कौन सा, काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब एक और ये कंसेप्ट होता है कि मैनी के बाद ऑफ आ रहा है, अब ये हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, जैसे ऊपर वाले में बी में भी हमारा ऐसे ही कर रहा है कि ये सब्जेक्ट बनता है, यहाँ पे भी अ ग्रेट मैनी, तो ये जो ऑफ है उसके बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आएगा, नाउन तो वो सेम ही रहते हैं, नाउन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस सेम रहता है, ठीक है, लेकिन वो होगा तो ऑब्जेक्ट ही ना, सब्जेक्ट तो ये होंगे, ठीक है, अ गुड मैनी ये हमारा सब्जेक्ट होगा। अब हमारे पास, हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे करते हैं और आप हमें बताइए कि इसमें क्या आना चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा मैनी स्टूडेंट्स हैज या फिर हैव, इन दोनों में से आप चूज करके बताइए, पास्ट अ गुड मैनी, ठीक है, ऑफ, और यहाँ पे मेरे पास है अस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन आएगा तो कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और फिर यहाँ पे मेरे पास है हैज़ या हैव, और गॉन टू दिल्ली, ठीक है। अब इनमें से क्या आएगा यहाँ पे, और एक है मैनी डैश, सीधा यहाँ पे वर्ब आएगी, अब यहाँ पे सीधी वर्ब भरनी है, तो इज या आर में से आप बताइए क्या आएगा, मैनी डैश एब्सेंट टुडे, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को तो हम अभी क्वेश्चन में कर ही चुके हैं, तो मैनी स्टूडेंट्स हैव, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो है वो मेन सब्जेक्ट है, अ गुड मैनी, यहाँ पर गुड मैनी हमारा सब्जेक्ट है तो हैव आ जाएगा, मैनी यहाँ पर सब्जेक्ट है तो हमारा प्लूरल वर्ब आ जाएगा। तो ये हमने तीनों में ही प्लूरल वर्ब फिल करी है, सिंगुलर वर्ब हमारी कहाँ आती, अगर ए और एन के बाद हमारा अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि वो तो होना ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, तो ये हमारी वर्ब सिंगुलर हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थैंक्स गॉड योर फैमिली एंड यू आर सेफ, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थैंक्स गॉड, तो इस ये जो फ्रेज़ है वो गलत है, यहाँ या तो हो सकता था थैंक गॉड या थैंक्स टू गॉड, ठीक है, ये दोनों आंसर हो सकते थे, ये दो ऑप्शन यहाँ हो सकते थे। एक और अलग टर्म होती है, वो होती है थैंक यू गॉड, अब इनका हमें क्या करना है, मतलब समझना है, इन दो में से तो यहाँ पे आंसर हो सकता था, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे, ये अ पार्ट में हमारा यहाँ रॉन्ग है। अब थैंक गॉड का मतलब क्या होता है,
कि भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी फैमिली और तुम सेफ हो। थैंक्स टू गॉड का मतलब क्या है, यहाँ ऐसा आएगा, थैंक्स टू गॉड का मतलब क्या है, बिकॉज ऑफ गॉड, भगवान के कारण, ठीक है, और या ड्यू टू गॉड, भगवान के कारण, या फिर ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू गॉड, ड्यू टू समवन। तो देखो, जब हम कहते हैं कि थैंक्स टू समवन, यानी कि किसी को थैंक्स टू बोलते हैं, थैंक्स टू यू बोलते हैं, मान लीजिए हम कहें कि थैंक्स टू यू, यानी आपके कारण ये संभव हो पाया, तो हम उसमें थैंक्स टू यू इस तरह बोलते हैं। इसी तरह से थैंक्स टू गॉड, भगवान के कारण, थैंक यू गॉड, अगर हम किसी को, यानी हम कहें कि थैंक यू समवन या समबड़ी, किसी को कह रहे हैं, समवन समबड़ी किसी को थैंक यू बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है कि वो डायरेक्टली हमारे सामने हैं और हम उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम हैज़ बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन। अब ये जो द कैप्टन है, इसको किससे, हिज टीम के साथ जोड़ा गया, ठीक है, लेकिन किससे, अलोंग विद से। तो जब ये कुछ हमारे प्रपोजिशन है, अलोंग विद, विद, टुगेदर विद, या बिसाइड्स, इन एडिशन टू, तो ये इसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट हमारा मेन ये होता है और इसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब फिल करनी है। कैप्टन सिंगुलर है, वर्ब भी यहाँ पे क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, और यहाँ पे ऑलरेडी सिंगुलर है, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि एरर ही होगी, यानी अब कि ये जो क्वेश्चन है इसमें नो एरर वाला ऑप्शन हमारा होगा। और यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। देखो, एज वेल एज, बहुत बार क्वेश्चन मैंने ये उसमें भी डाला हुआ है, शॉर्ट में भी। तो एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, विद, टुगेदर विद, लाइक अनलाइक, यानी सिमिलर डिसिमिलर, बट, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, यानी इन एडिशन टू, ये दोनों मतलब सेम है, एंड नॉट, अगर इनसे कनेक्ट हो तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम इसके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हम अपनी वर्ब लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन फिर है, अ मैन अलोंग विद हिज वाइफ। अब हमारा सब्जेक्ट अ मैन के साथ हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन के साथ कनेक्ट हुआ है, ठीक है, अलोंग विद है, इसको नहीं देखना हम, ये हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, वर्ब कैसी आनी चाहिए थी, सिंगुलर आनी चाहिए थी, वर्ब कैसी दी हुई है, प्लूरल दी हुई है, क्या आएगा, वॉज आ जाएगा। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पता लग गया है कि हमारे बी पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट देखें, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री रिकमेंड्स रोहित एज द यूनियन लीडर फॉर द नेक्स्ट टू ईयर्स। तो यहाँ पे देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ हो सकता था अ नंबर ऑफ, लार्ज हटाकर, या फिर दिया हो सकता था लार्ज की जगह पर अ ग्रेट नंबर ऑफ। तो इन तीनों को ही पढ़ लीजिए अच्छे से, कि जब ये दिया हुआ हो तो यहाँ ऑफ के बाद जो आ रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो हमारा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो है अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ। अब हमारी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल रहेगी, वर्ब इसके साथ कैसी रहती है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। और अगर यहाँ पे अ की जगह होता द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है, और या फिर सिर्फ द नंबर ऑफ, तो हमारी वर्ब हो जाती द के साथ सिंगुलर, क्लियर है। अगर यहाँ द होता तो ये सिंगुलर वर्ब लगी हुई है, करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ अ लगा है, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, वर्ब आनी चाहिए थी प्लूरल। प्लूरल वर्ब कब होती, एसीएस को हटाकर, है ना, यानी एसीएस लगाकर तो हम सिंगुलर बनाते हैं। तो अब हमारा क्या हो गया आंसर, अब हमारा हो गया बी पार्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 2022 में अभी आया था, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब द नंबर ऑफ आया है। तो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि द नंबर ऑफ आने पर हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर होनी चाहिए थी, अटेंडिंग देयर क्लासेस आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन आवर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ आर नहीं आना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी ना, जैसे कि द दिया हुआ है, यानी कि जो स्टूडेंट है, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, उनकी संख्या जो है वो कम होती जा रही है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, कम हो रही है, तो यहाँ पे इज आ जाएगा, संख्या कम हो रही है, स्टूडेंट कम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्ट नंबर हमारा आ जाएगा, अटेंडेंस डे क्लासेस आर कॉन्स्टेंटली, तो ध्यान रखना है डी पार्ट है, ठीक। देर इज ओनली अ फ्यू कंपनीज दैट कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है, इसके बाद जो फिलअप आता है, वो फिलअप हमें हमेशा कौन सी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, जो उसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट आने वाला सब्जेक्ट रहता है। तो इसके बाद हमारा यहाँ पे है अ फ्यू कंपनीज, तो कंपनीज क्या है,
ए फ्यू कंपनीज क्या है, एक साथ साथ ये भी समझ लीजिए यहाँ पर अ फ्यू के बाद जो है वो हमेशा नाउन जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, वर्ब भी प्लूरल हो जाती है, तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा आर। तो पार्ट कौन सा हो गया यहाँ पर, फर्स्ट पार्टी हो गया, देयर इज ओनली दिया हुआ है, तो क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट चलते हैं, प्लेइंग इन द पार्क। ये जो प्लेइंग इन द पार्क है, यहाँ पर प्लेइंग जो है वो जेरेंड की तरह काम हुआ है, जेरेंड एज ए नाउन यूज़ किया गया है। जब अब वी वन आई एन जी सब्जेक्ट की तरह काम करे तो उसे जेरेंड यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करे तो जेरेंड होता है वो। और जो जेरेंड होता है वो हमेशा जैसे अगर सिंगुलर है तो जो है हमारी सिंगुलर वर्ब लेगा, दो होते प्लेइंग एंड सिंगिंग होता जैसे मान लीजिए तो वो दो हो गए तो हमारी प्लूरल वर्ब हो जाती। तो यानी कि इन्हें वर्बल नाउन भी बोलते हैं, वर्बल नाउन, क्योंकि वर्ब की तरह भी एक्ट करते हैं और नाउन की तरह भी एक्ट करते हैं। तो प्लेइंग इन द पार्क यानी पार्क में खेलना इज वन ऑफ द थिंग दैट स्मॉल चिल्ड्रन रियली लव। अब देखो हमने हमारा ध्यान कहाँ गया कि हमने कहा कि इसमें सिंगुलर वर्ब आती है तो वर्ब तो यहाँ सिंगुलर दे रखी है, तो क्या हम इसको नो एरर पार्ट मांगे? जरूरी नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब में ही यहाँ पर प्रॉब्लम हो। जब हमारे पास यहाँ वन ऑफ दिया हो, ठीक है, तो जब वन ऑफ दिया हो तो इसके बाद आने वाला नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा वो प्लूरल होगा, क्योंकि तभी तो बहुत में से एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा प्लूरल। अब प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन वो भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ थिंग दे रखा है, यहाँ पे थिंग्स होना चाहिए था, एस लगना चाहिए था, ठीक है। तो अब हमारा पार्ट में एरर हो गई बी पार्ट में, ठीक है, बाकी सही है, दैट स्मॉल चिल्ड्रन रियली लव, ठीक है। चलिए ये चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग आई है, ये सब्जेक्ट है हमारा और लव यहाँ पे ये प्लूरल है तो लव यहाँ पे प्लूरल आ चुका है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ इट वुड रेन दे विल नॉट कम। हमें अभी यहाँ पता लग रहा है यहीं से देख लीजिए कि जब भी कंडीशनल क्लोज होता है उसमें कोई भी फ्यूचर की टर्म जैसे विल शैल ये नहीं होती है, ठीक है, विल शैल वुड ये नहीं होता, ठीक है। तो ये सबसे पहले गलती तो यहीं पे हो गई, वुड नहीं आना चाहिए था। अब मैंने जैसे ही वुड को हटाया, वुड के साथ तो क्या था, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसा कि मॉडल वर्ब के साथ आती है। अब इट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब होनी चाहिए, इट क्या है सिंगुलर, सिंगुलर है तो यहाँ पे रेंस हो जाएगा, ठीक है, बाकी सेम सही है। तो ए पार्ट में एरर है। आगे देखो यहाँ पे जैसे ही हमने इट रेंस किया यानी इट के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, जब हमारे इफ क्लोज में वी वन है तो यहाँ पे हमारे साथ कोई भी मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो यानी अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इधर रमेश और रीमा हैव द कीज टू द कबर्ड। अब यहाँ पे बताइए, देखो इधर और यहाँ पे कनेक्ट है और से, तो ये कंजंक्शन तो सही लगे हुए हैं, ठीक है। जब भी इधर और नीदर नोर ये कंजंक्शन का पेयर रहता है या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो इनसे कनेक्ट हो तो वर्ब हमेशा क्या रहती है, नियरेस्ट टू सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट नियरेस्ट इसके क्या है, रीमा है, रीमा क्या है सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आप पूरी वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सारे एक ही कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। काफ़ी एरर तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही है। आप देखो और क्या क्या हो सकते हैं, नीदर नोर नोर ओनली और भी हो सकता है, नोर भी, नीदर नोर इधर और या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट, यानी कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे अगर जो वर्ब इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल बी हेल्प। तो देखो यहाँ पे है इफ़ यू हैड, हैड और वी थ्री दिया हुआ है, हैड वी थ्री दिया है तो यहाँ पे वाले पार्ट में भी हमारे पास कोई मॉडल वुड शुड कुड इस तरह आना चाहिए था, यानी वुड हो जाएगा, वुड के साथ हैव आएगा और हैव के बाद आपकी वी थ्री आएगी, वी थ्री हो जाएगी हेल्प्ड, ठीक है। तो कौन से पार्ट में हमारी एरर हो गई, आई विल बी हेल्प वाले में, तो वुड हैव हेल्प्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑन संडेज आई प्रेफर रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे ऑन संडेज आई प्रेफर, प्रेफर यहाँ पे प्रेफर दिया है, या जिस तरह से कई वर्ड और होते हैं, सुपीरियर हो सकता है, इन्फीरियर हो सकता है, ठीक है, तो इस तरह के कुछ वर्ड्स जो हैं उनके साथ का देन नहीं लगता है, यहाँ पर सीधा जो है प्रपोजिशन टू का यूज़ होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, स्टर्न वार्निंग का मतलब होता है सीरियस वार्निंग, लतिका कंटिन्यूड टेकिंग शुगर्स इन हर मिल्क। तो सिंपल सा यहाँ पे तो क्लियर ही हमें पता लग रहा है, जो शुगर है
इसको आप SES लगा कर प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो यहाँ से ये एरर हो गई आपकी सी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रीज़न फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिडंट स्टडी एट ऑल। अब जब रीज़न आ जाता है, यहाँ पे हमने कारण तो पहले ही बोल दिया कि इसका कारण क्या है ना, द रीज़न फॉर हिज फेलियर, उसके फेलियर का कारण क्या है, तो बिकॉज क्यों आएगा, बिकॉज नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, दैट आएगा, कारण यह है कि, ठीक है। तो यहाँ पर बिकॉज हटाना है ना, तो बी पार्ट में एरर हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। देखो देन है, यानी यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है एनी अदर पोएट के साथ, किसका, कालिदास ही, कालिदास का हो रहा है और वॉज आ रहा है, ठीक है। लेकिन ग्रेटर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 ईयर्स। तो दे हैव लिव्ड, देखो ज़्यादातर बच्चे क्या यहाँ पे गलती करते हैं कि हैव लिव्ड गलत है क्योंकि यहाँ पे सिंस 4 आ रहा है, बट यहाँ पे आपको बता दूँ हैव लिव्ड सही है क्योंकि वो यहाँ पर 10 साल से रह चुके हैं, ठीक है, 10 साल से रहते हैं, ठीक है, 10 साल से रह रहे हैं दोनों ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे तो सिंस और 4 की वजह से क्या, सिंस पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, राइट, और यहाँ पे 4 आना चाहिए था, 4 किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम, और 10 ईयर्स क्या है, एक समय की अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखें। मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मैनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। अब देखो मॉडर्न साइंस बिल्कुल सिंपल सिंपल यहीं से शुरू कर देते हैं, साइंस क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पे मॉडर्न साइंस की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आनी चाहिए थी, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, हैज़ ब्रोकन, बाकी सही है यहाँ पे, तो पहले ही पार्ट में एरर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ के बाद हमारा जो नाउन है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, सही जा रहे हैं हम, लेकिन वन ऑफ के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, हु को देखते हैं और इसको एंटीसीडेंट मान लेते हैं, नहीं, अब हमारा सब्जेक्ट की तरह काम ये कर रहा है, क्लियर है, वन काम कर रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे देखिए वन के अकॉर्डिंग हु ऑलवेज गिव, ये वर्ब कैसी दे रखी है, वर्ब हमारी प्लूरल दे रखी है, तो सिंगुलर करनी है तो गिव्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज बी पार्ट में एरर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो देखो जब ये कुछ यहाँ पे देख लीजिएगा, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, तो हमने पहले पीछे क्या किया था, ईदर और नीदर का हमने पेयर किया था, तो उसमें वो कंजंक्शन थे, लेकिन ईदर ऑफ इसमें बहुत बहुत बच्चे गलतियाँ करके आ जाते हैं, ईदर ऑफ ये प्रोनाउन है, ऑफ के बाद जो आएगा, ईदर ऑफ अस जो भी होगा, ईदर ऑफ बॉयज, है ना, तो बात तो दो की हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर ये ईदर और नीदर जो है ऑफ लगने के बाद, ये तो हमारा सब ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये जो हो गए वो हमारे सब्जेक्ट हो गए, अब हमेशा हमारी वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है, ठीक है, ये तो प्लूरल हो जाएगा नाउन प्रोनाउन तो, लेकिन वर्ब सिंगुलर रहती है, और ईदर और नीदर नोर वाले में हमने क्या देखा था कि सब्जेक्ट के पास वाले में उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, वो अब सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगी, प्लूरल है तो प्लूरल लगेगी, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखो। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस वाइल ऑन ट्रेवलिंग दीज डेज। अब देखो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, तो ये तो ठीक है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टू टेक हैवी लगेजेस, तो ध्यान रखिए ये अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ से एस हटा दीजिए, तो यही गलत हो गया, अनकाउंटेबल नाउन को आप SES लगा कर सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते, तो इसका हमारा आंसर जो हो गया वो बी पार्ट हो गया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैनी अ स्टूडेंट हैव पास्ड द IIT एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे देखो मैनी अ स्टूडेंट, अब यहाँ सही है, मैनी के बाद अ आ रहा है तो नाउन भी हमारा सिंगुलर आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए थी, सिंगुलर आनी चाहिए थी, तो क्या हो जाएगा, हैज़ पास्ड, तो हमारे पार्ट में बी पार्ट में जो है वो एरर है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।